नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 52 दिनों से महिलाएं और बच्चे दिन रात यहां धरने पर बैठे हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे। वहीं 4 दिनों के भीतर लगातार 3 बार हुई फायरिंग की घटना ने प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद अब इस इलाके की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए गए। शाहीन बाग की सुरक्षा व्यवस्था अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के हवाले कर दी गई। सोमवार शाम से ही इस इलाके में बीएसएफ और आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए, जिसके बाद शाहीन बाग तक जाने के लिए आपके पास पहचान पत्र होना जरूरी है। बिना आई कार्ड के यहाँ किसी की भी एंट्री नहीं होगी। प्रदर्शन स्थल तक जाने के लिए आपको अपनी पहचान बतानी होगी और ये भी बताना होगा कि आपको यहाँ क्यों जाना है। प्रदर्शन स्थल के दोनों तरफ मेटल डिटेक्टर मशीन लगा दी गई है। हर आने जाने वाले सामान की तलाशी ली जा रही है। इस फोर्स में दंगे के समय इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। इससे पहले रविवार की शाम को जामिया के गेट नंबर 5 पर फायरिंग की खबर आई थी, जिसके बाद इलाके में काफी तनाव हो गया था। लोगों का आरोप था कि दो लोग स्कूटी पर आए और उन्होंने फायरिंग की। हालांकि पुलिस को इस घटना पर शक है। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से कोई बुलेट नहीं मिली और चश्मदीदों के बयानों में भी विरोधाभास है। किसी का कहना है कि दो हमलावर स्कूटी से आए थे, तो कोई उनके कार से आने का दावा कर रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद डीएसपी चिन्मय बिस्वाल का ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक का कहना है कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 59,000 सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। इसमें करीब 40,000 दिल्ली पुलिस के जवान और करीब 19,000 होमगार्ड होंगे। आपको बता दें कि शाहीन बाग में पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस कई बार इन प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कह चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारी सीएए को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सीएए वापस नहीं होगा, तब तक ये लोग यहां से नहीं हटेंगे। इस प्रदर्शन की वजह से साउथ ईस्ट दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क बंद और लोगों को लंबा चक्कर काट कर नोएडा जाना पड़ रहा है।